माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। हमारे यहाँ पे बच्चे पार्टी आई हुई है और उनमें से एक का बर्थडे है। वो लोग ही प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए केक, और केक कौन सा है वो लोग आपको बताएंगे। सो कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज इसका बर्थडे है और हम इसके लिए बनाने जा रहे हैं कौन सा वाला केक? रवा केक। और आज ये लोग ही प्रिपेयर करेंगे, मैं इनको गाइड करूंगी। तो चलिए देखते हैं रवा केक कैसे बनाते हैं। अगर आपका रवा जो है वो मोटा है तो आपको इसे मिक्सर में पीस लेना है। तो हम लोग अभी प्रिपरेशन की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ओके बच्चों? ओके। हम लोग पहले लेंगे रवा, पाउडर शुगर, कर्ड, मिल्क एंड ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वेनिला एसेंस। ये हम लोग लेंगे एक बाउल, उसमें रखेंगे हम छन्नी। तो पहले उसके बाद शुगर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डालेंगे 5 टेबलस्पून ऑयल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपके घर में जो भी अवेलेबल है ऑयल आप वो भी सब यूज करें। अब हम इसको मिलाते जाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें मिल्क, हमने थोड़ा थोड़ा डाला। अब हम इसको 30 मिनट तक रेस्ट करेंगे, रख देंगे। आज हम कुकर में केक बनाने वाले हैं, कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। बच्चों को गैस के पास नहीं जाना चाहिए। सो अभी मैं गैस ऑन करके दे रही हूँ आप लोग को। ओके, तो हम कुकर को भी प्रीहीट करेंगे। चलो, कुकर को प्रीहीट करने से पहले हमें इसकी जो रिंग है वो निकाल देनी है और कुकर को ऐसे बंद कर देना है और गैस चालू कर देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अभी हम बैटर को चेक कर लेंगे। अब बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। डालेंगे कर्ड, कर्ड हम डालेंगे 5 टेबलस्पून, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम ग्रीस करेंगे ऑयल से। अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड, उसके बाद हम रख देंगे केक के बैटर को इसके अंदर। ने कुकर की लीड बंद कर दी है और हम इसे 30 मिनट्स बाद एक बार चेक करेंगे।
अब हमारा केक रेडी हो चुका है। हम लोग इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्लेट में निकाल के डेकोरेट कर लेंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है। केक ठंडा होने के बाद अपने आप ही बहुत इजीली बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं केक कितना प्यारा लग रहा है। केक को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने किटकैट का यूज किया है। हमें किटकैट को बारीक बारीक काट लेना है। और चॉकलेट गिनाश के लिए मैंने यहाँ पर डेरी मिल्क और मिल्क मेड का यूज किया है। डेरी मिल्क डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट करने के बाद उसमें मिल्क मेड डाला है। चॉकलेट गिनाश को हमें केक के साइड से डालना है। अगर आप चाहो तो केक डेकोरेशन की प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो। ये केक ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। पर यहाँ पर हम बर्थडे के लिए केक बना रहे थे और बच्चों का केक था, सो मैंने यहाँ पे केक डेकोरेट भी किया है। मैंने जो चॉकलेट गिनाश डाला था उस पर मैं अब किटकैट स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि किटकैट जो है वो अच्छे से उस पर सेट हो जाए। डेकोरेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था वो मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया है, और जो बचा हुआ चॉकलेट गिनाश था उसे मैंने किटकैट की अंदर जो हार्ट बना हुआ है उसमें स्प्रेड कर लिया है। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। आई गारंटी यू ऑल, अगर आप ये केक एक बार ट्राई करेंगे तो बाहर का केक बहुत अवॉइड करने वाले हो आप सब लोग। केक जितना दिखने में यम्मी है उतना ही खाने में भी है। केक को हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक फ्रिज में छोड़ देना है सेट होने के लिए। और केक रेडी हो गया है।